हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो बनाते टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों की सर्दी किस तरह से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक वो होता है ना, एक बार जो सर्दी हो जाती है तो बार बार का होना स्टार्ट हो जाता है। तो छोटे बच्चों की सर्दी किस तरह से जड़ से ख़त्म किया जाता है, वही मैं आपको नुस्खा बताऊंगी। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, कुछ चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने लिया है राई का तेल, जी हाँ दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल लिया है और हल्दी लिया है, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी लिया है और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है कॉटन, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये इस कापूस का भी हमें इस्तेमाल करना है, ये अच्छा क्लीन कापूस होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमें क्या करना है। तो चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया है जिसको मुझे बहुत ही अच्छे से गरम करना है। तो ये देखिए, मैं अच्छे से गरम कर रही हूँ दोस्तों। ये जितना अच्छा गरम होगा उतना ही अच्छे से हमारा तेल गरम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये गरम हो गया है। तो अब मैं जो फ्लेम है उसको स्लो कर दूंगी और जो हमने तेल लिया था उसको मैं ऐड कर लूंगी दोस्तों। फ्रेंड्स, ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा असरदायक है, काफ़ी छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से ज़रूर बच्चों को ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हमारा, तब हमें इसमें ऐड करेंगे हल्दी। ये तेल गर्म अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा हल्दी जो है झट से पकना शुरू हो जाए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो रहा है, यानी कि तेल में से अच्छे से धुआं निकलना चाहिए, ये देख सकते हो आप कुछ इस तरह से। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमें इसमें हल्दी जो हमने ऐड किया हुआ था उसको ऐड करना है। वो सारी हल्दी यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हल्दी थोड़ा सी कम लग रही है, वो और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी लग रहा है, आप देख सकते हो। बिल्कुल ये पेस्ट की तरह होना चाहिए, थिक होना चाहिए। जो लेप होता है ना दोस्तों हल्दी वाला, सेम ये उस तरह से होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल और करूँगी क्योंकि वो लिक्विडी लग रहा था, वो लगाते ही सर पे रनिंग रन करेगा दोस्तों, तो वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमें पेस्ट फॉर्म में चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से, अब ये थोड़ा थोड़ा सी पकते पकते ठीक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा टाइम हमें पकाना है ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब हमें यहाँ पे फ्लेम को ऑन करना है और इसको चलाते हुए चलाते पकाना है, और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है दोस्तों। 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोटे बच्चों पे ये बहुत ही ज़्यादा असर करेगा दोस्तों। जो सर्दी होती है, या सर्दी नहीं हुई है या सर्दी होने वाली है, ये कभी होने नहीं देगा। अगर है तो जड़ से ख़त्म कर देगा, सारी जो सर्दी होती है ना दोस्तों वो पूरी अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग पूछेंगे कमेंट्स करके कि ये नुस्खा मुझे किसने बताया, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये मेरी नानी जी मुझे बताई थी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, ये पकना स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसका कलर चेंज हो गया है, तब आप समझ जाइए पकना स्टार्ट हो गया है। इसे थोड़ा और पकाना है क्योंकि ये अभी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है। तो मैं इसको फ्लेम को बंद कर दी थी, वापस से मैं इसको चालू करके पका लूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम पकाने के बाद अब ये रहा, अब मैं इसको निकाल लूँगी छोटी सी बॉल में। तो फ्रेंड्स, आप फिकर मत कीजिए, ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। और इसको हाथ से टच करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़ोर से गर्म है और चटका लग जाएगा फ्रेंड्स। तो आपने बोलोगे कि मुझे मैम ने बताया नहीं। तो यहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें क्लीन कॉटन लेना है, एक थिक सा होना चाहिए।
जब ये हमारा पेस्ट पूरी तरह से ठंडा हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए, जो आप इतनी आराम से हाथ से टच कर पाए, तभी आपको इसको इस्तेमाल करना है। वैसे ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, स्किन भी निकल सकती है, ये इतना गर्म है। तो इस तरह से ठीक होना चाहिए, और उसके बाद में आप इसे अप्लाई कर सकते हो इस कॉटन पे। उसके बाद आपको इसका अप्लाई करके बच्चे जो होते हैं उनके ठीक तालू पे लगाना है दोस्तों। तालू जो माथा होता है, सर होता है, जिसके ऊपर तालू होता है, जो ठंडी के मौसम में थोड़ा गड्ढे जैसा हो जाता है, वहाँ पे इसे लगाना है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इससे पहले मैंने एक ब्लैक धागा और 7 गार्लिक का एक वीडियो अपलोड किया था, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। और एक बेबी मसाज ऑयल भी इस्तेमाल किया है, वो भी आप देख सकते हो। अगर दोस्तों बच्चे छोटे हैं, दूध पीते हैं माँ का, तो माँ को चाहिए कि रोज का रोज 1 चम्मच अजवाइन खाए, और इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, 100% काम करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये ट्रिक, आपको इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ दोस्तों, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो बच्चे के माथे पे यानी कि तालू पे आपको अच्छे से बिठा देना है, चिपका देना है। जो बड़े बच्चे हैं दोस्तों, उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके सर में बाल आ जाते हैं। अगर बाल नहीं है तो आप इजीली लगा सकते हो। और हाँ दोस्तों, ठंडी के मौसम में मैंने जो तेल बनाना बताया था आपको, वो ज़रूर 1 बॉटल बना के रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। उसमें मैंने अजवाइन और मेथी दाना इस्तेमाल किया है, बहुत ही अफेक्टिव ऑयल है दोस्तों। घर पे बच्चों को वही लगाइए, मार्केट का ऑयल मत लगाइए दोस्तों, क्योंकि उसमें कूलिंग होता है, तो ठंडी के मौसम में कूलिंग और भी ज़्यादा असर अच्छा नहीं है, काम करेगा। तो अक्सर आप लोग ने देखा होगा दोस्तों, कि जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है, उनके जो कान हैं वो बंद करते हैं, उन्हें कुछ कॉटन रखने के लिए कहा जाता है। तो आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स होता है ना, वो ओपन हो जाता है। अगर हवा कान के ज़रिए जाएगी तो दोस्तों एक स्पेस बन जाता है। तो सेम कंडीशन बच्चों के साथ होती है, न्यू बोर्न बेबी के साथ होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है ना दोस्तों, तो स्पेस हो जाएगा उनके माइंड में, उनकी बॉडी में। तो जो बच्चों के थोड़ा बहुत ऐसा होता है, तो वो उनका फैट बढ़ जाता है बड़े होते होते वो। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है सर्दी को लेकर, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। और दूसरा, जो मैंने ऑयल बनाना बताया था घर पे, बेबी मसाज ऑयल, उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को नहीं मालूम है, मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहती हूँ मेरे चैनल पे। तो चलिए देख लेते हैं ये मिक्स करके ठंडा हो गया है या नहीं, इसको मुझे आपको बताना है दोस्तों। सॉरी, जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इतनी बड़ी मेरी वीडियो कोई होती नहीं है, लेकिन मुझे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देना है। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सी ठंडा हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से लेप के जैसा लगाना है दोस्तों। तो देख लीजिए, हल्दी का कलर जो था वो पूरी तरह से बदल गया है, यानी कि हमारी हल्दी पूरे तरीके से काम करने के लिए एक्टिव हो गई है। इस तरह से लेना है, बहुत ही अच्छा से थिक पेस्ट की तरह लगाना है दोस्तों, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको इस तरह से लेकर तालू में लगाना है, और जो बच जाएगा दोस्तों वो आप ऊपर से लगा दीजिए, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, माथे तालू पे से ना निकले बच्चों के। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना दोस्तों, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, असरदायक इतना है। आप इसे 1 दिन 2 दिन भी लगा के रख सकते हैं, अगर आपका बेबी इसे ना निकाले तो रहने दीजिए, सर्दी सारी अब्सॉर्ब हो जाएगी फ्रेंड्स। जो भी जुखाम है, कभी नहीं होगा छोटे बच्चों को जुखाम, ये इतनी असरदायक है। और हाँ दोस्तों, अगर बच्चे माँ का दूध पीते हैं, तो माँ को रोज 1 चम्मच अजवाइन खाना है, और इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यस, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।